दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में कांग्रेस को एकजुटता दिखानी चाहिए, लेकिन पार्टी में तो जारी अंदरूनी कलह का शोर अब सियासत की सतह पर भी सुनाई देने लगा है। पार्टी में गुटबाजी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब शिकायतों के लिए लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जहां एक तरफ खतों की खेप राहुल गांधी के द्वार पहुंची है, तो वहीं शीला दीक्षित के पास भी शिकायतों का अंबार है। रूठे नेताओं की चिट्ठी का यह सिलसिला पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा पार्टी को एकजुट करने के लिए दिया था। उन्होंने CWC की बैठक में यही संदेश दिया था कि एकजुटता की जरूरत है, लेकिन लगता है कि राहुल के इस त्याग के बाद भी पार्टी खंड खंड हो रही है। कर्नाटक और गोवा में तो विधायक टूट ही रहे हैं, वहीं दिल्ली में भी दिग्गज कांग्रेसी आपस में भिड़ रहे हैं। शीला दीक्षित और PC जाको में जारी कलह ने इस कदर कोहराम मचा दिया कि शिकायतों का सिलसिला चल पड़ा। 280 ब्लॉक कमेटियों को भंग करने की शीला दीक्षित के फैसले के खिलाफ जहां कुछ नेताओं ने सीधे राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं को पत्र लिखा है, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों ने शीला दीक्षित को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, नसीब सिंह, आसिफ मोहम्मद खान और AICC सदस्य ब्रह्म यादव ने राहुल गांधी, पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल और PC चाको को पत्र लिखा है। पार्टी में चल रही गतिविधियों पर आपत्ति जाहिर की है। इन नेताओं ने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित अस्वस्थ हैं, जबकि कुछ अन्य लोग उनकी ओर से निर्णय ले रहे हैं। 280 ब्लॉक कमेटियों को भंग करने से पहले भी वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में नहीं रखा गया, यहाँ तक कि कार्यकारी अध्यक्षों से सलाह भी नहीं ली गई। वहीं कार्यकारी अध्यक्षों ने भी शीला दीक्षित को लिखे पत्र में बिना उनसे सलाह किए निर्णय लिए जाने की शिकायत की है। दिल्ली कांग्रेस अक्सर गुटबाजी का शिकार होती रही है, जिसका नतीजा उसे हार के रूप में भुगतना पड़ा है। 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, पार्टी ने हमेशा गुटबाजी की वजह से हार का मुंह देखा है। वहीं अब एक बार फिर प्रदेश में नेतृत्व पर नेताओं में ठन गई है, जबकि 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये तकरार कहीं हाथ को फिर से हार ना दे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।